आज से हम 3ds Max के मॉडलिंग के लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब आपको ये जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं कमांड्स, इसका मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी और शॉर्ट में उसका यूज़ बताऊंगी। वो सब कमांड्स डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी ही जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखते हैं 3ds Max का यूज़र इंटरफेस। जैसे ही आप 3ds Max ओपन करते हैं, आपको आपकी स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी। इस स्क्रीन के अगर आप यहाँ पे राइट पे जाते हैं तो आपको ये साइन इन का ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ये है यूज़र अकाउंट मेन्यू। यहाँ से आप ऑटोडेस्क के अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको आपका अकाउंट का लाइसेंस मैनेज करना है, आपको ऑटोडेस्क के और कोई नए प्रोडक्ट परचेस करने हैं, या आप ट्रायल वर्जन में काम कर रहा है उसका आपको अपडेट चाहिए, तो वो यहाँ पे लॉगिन करके आपको मिल सकता है। उसी के राइट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वर्कस्पेस सिलेक्टर का ऑप्शन। इस वर्कस्पेस सिलेक्टर मतलब क्या, यहाँ पे आपको अलग अलग इंटरफेस के सेटअप्स मिलेंगे। ये देखिए, ये अलग अलग सेटअप्स है। हम रखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, डिफॉल्ट का जो है वहाँ पे वो ही रखने देते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये है मेन्यू बार। ये मेन्यू बार के ये मेन्यू को आप अगर नाम पढ़ेंगे उसी से आपको आइडिया आ जाएगी वो नाम से ही कि वो मेन्यू का पर्पस क्या है। क्रिएट मतलब कोई चीज़ क्रिएट करनी है, मॉडिफायर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, एडिट उसमें एडिटिंग करना है, तो उसमें यहाँ सब ऑप्शंस है। उसके नीचे देखिए, ये है मेन टूल बार। जो कमांड आपको फ्रिक्वेंटली लगने वाली है वो कमांड आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे अंडू करना है, रिडू करना है, कोई चीज़ को मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, तो वो आपको उसके ऑप्शंस यहाँ पे मेन मेन्यू बार में मिल जाएंगे। उसके नीचे ये है रिबन। इस रिबन में भी आपको कमांड्स मिलेंगे। जैसे जैसे हम लोग मॉडलिंग करते जाएंगे इसके भी कमांड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे लेफ्ट में नीचे यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये है व्यूपोर्ट लेआउट। ओके, व्यूपोर्ट किसे कहते हैं, ये जो स्क्रीन के ये जो चार पार्ट्स है इसे कहते हैं व्यूपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है देखिए कौन से फॉर्मेट में है, जो फॉर्मेट में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं व्यूपोर्ट, वही फॉर्मेट में ये यहाँ पे दिखाई दे रहे आपको। ओके, इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं ये फॉर्मेट में तो आप कर सकते हैं यहाँ से। उससे पहले मैं आपको ये व्यूपोर्ट के बारे में बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ। अब मैंने बॉक्स कैसा ड्रॉ किया वो मत आप ध्यान दीजिए, आप अभी सिर्फ व्यूपोर्ट कमांड पे ध्यान दीजिए। जब मैं ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स एक्सप्लेन करूँगी तब ये सब क्रिएशन आपको बताऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझेगा यहाँ लिखा है पर्सपेक्टिव, मतलब ये बॉक्स ये पर्सपेक्टिव व्यू में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या लिखा है, फ्रंट व्यू। इस बॉक्स का ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू, और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड व्यू। इस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट के तीनों व्यूज आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे फ्रंट व्यू ही देखना है, अगर आपको यहाँ पे टॉप व्यू देखना है आप इस व्यूपोर्ट में आके टी प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे टॉप व्यू आ गया। आपको यहाँ पे फ्रंट देखना है आप यहाँ पे आके एफ कीजिए, ये फ्रंट व्यू आया। तो आपको जैसे चाहिए वैसे मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह से ये व्यूपोर्ट का जो अरेंजमेंट है ये भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग लेआउट से जो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। आपको ये क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉक्स से जो है स्क्वायर का जो सिंबल है इस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, इस पर मैं राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे कॉन्फिगर व्यूपोर्ट का ऑप्शन है लेआउट। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर समझेगा। अभी का लेआउट क्या है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट और लेफ्ट। अगर मैं चेंज करूंगी, समझो मैंने ये चेंज किया,
अब क्या हो गया, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू आया है, फ्रंट टॉप लेफ्ट अप्लाई, ओके। देखिए वो चेंजेस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू आया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, यहाँ पर भी आप देखेंगे वो सेम फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप जैसे चाहिए वैसे आपकी व्यू पोर्ट की अरेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑपरेट करके कर सकते हैं या इस बॉक्स पे राइट क्लिक करके कॉन्फिगर व्यू पोर्ट, ये आपके लिए कन्वीनियंट है, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो ये हो गए व्यू पोर्ट लेआउट और ये है हमारे चार व्यू पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं राइट में, ये जो है इसे कहते हैं कमांड पैनल। मॉडलिंग के रिलेटेड या लाइट्स, कैमरा, सबके रिलेटेड मैक्सिमम कमांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस कमांड पैनल के 6 मेन यूजर इंटरफेस पैनल है, देखो 1 2 3 4 5 6, क्रिएट, मॉडिफाई, इस तरह से ये 6 मेन इंटरफेस पैनल है। इसके अंदर फिर ये ऑप्शंस है, जैसे क्रिएट है ये, तो क्रिएट में आप ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स, लाइट, कैमरा, फिर से ज्योमेट्री में भी आप ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, डोर्स, विंडोज, स्टेयर्स। देखिए ये सब कमांड मैं आपको एक एक करके सिखा दूंगी, तो ये है, इसे कहते हैं कमांड पैनल। अब यहाँ पे आगे नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये है स्टेटस लाइन एंड प्रॉम्प्ट लाइन। ये आपको क्या शो करता है, आपकी यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है वो एक्टिविटी का वो हमें फीडबैक देता है, ओके। देखिए जैसे मैंने अभी इस ऑब्जेक्ट को, समझो मैं यहाँ पे रोटेट कमांड है, मैं रोटेट करती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने रोटेट कमांड दिया, यहाँ पे उस क्या लिख के आया, क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट एंड रोटेट ऑब्जेक्ट, ओके। तो रोटेट कमांड के रिलेटेड उसने मुझे फीडबैक दिया, ठीक है। अब आप फिर से ये रोटेट कैसे हुआ इसका फिक्र मत कीजिए, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। अब सिर्फ मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था, कोई भी कमांड से, अभी मैंने ये स्केल कमांड दिया, तो जैसे मैंने स्केल कमांड दिया, यहाँ पे क्या लिख के आया, क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट एंड स्केल ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आगे आएंगे हम, ये देखिए ये है आइसोलेट सिलेक्शन टॉगल एंड सिलेक्शन लॉक टॉगल। ये क्या है, ये दो चीजें मैं आपको बताती हूं। मैं यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करती हूं, मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया, एक सिलेंडर ड्रॉ करती हूं मैं यहां पे, ओके। व्यूपोर्ट कमांड बताते वक्त और एक चीज मैं भूल गई आपको बताना रह गया, अगर आपको कोई एक ही व्यूपोर्ट विजिबल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वो व्यूपोर्ट में जाइए और ऑल्ट डब्ल्यू का बटन प्रेस कीजिए, तो सिर्फ वो ही व्यूपोर्ट जूम होगा। अगर आपको भी वापस चारों व्यूपोर्ट्स देखने के हैं, फिर से ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कीजिए, आपको ये चारों व्यूपोर्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ ये पर्सपेक्टिव व्यू में काम करना है, मैं इस पर क्लिक करके आर डब्ल्यू करती हूँ और मैं आपको ये दोनों कमांड एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ये आइसोलेट सिलेक्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने आइसोलेट सिलेक्शन पे क्लिक किया, क्या चेंजेस हो गए आपको भी दिखाई दिए, वो जो दूसरे दो ऑब्जेक्ट थे वो स्क्रीन से चले गए और जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो ही सिर्फ जूम हुआ। वापस मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, जैसे नॉर्मल थी मेरी स्क्रीन, वो स्क्रीन उसी तरह से आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन लॉक टॉगल, इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। मैंने, मुझे ये तीनों ऑब्जेक्ट को मूव करना है, समझो अब मुझे ये तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने ये एक को सिलेक्ट किया है, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, मैंने ये तीनों को सिलेक्ट किया और मैं इसे मूव कर सकती हूँ। देखिए मैं ये
एक्स एक्सिस में मैंने मूव किया, वाई में किया, जेड में किया, किसी भी एक्सिस में ये मैं मूव कर सकती हूँ। ये मूव रोटेट स्केल कमांड में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ये ऑप्शन। अब मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे जो सिलेक्शन लॉक टॉगल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, अब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस भी करती हूँ तो अभी ना तो ये स्फीयर सिलेक्ट हो रहा है ना ये सिलेंडर, और जो कुछ इफेक्ट हो रहा है वो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। क्यों? मैंने दूसरे दो ऑब्जेक्ट को ये कमांड लॉक करने की वजह से ये दो ऑब्जेक्ट लॉक हो गए, ठीक है। अब देखिए अभी वापस मैं ऑन करती हूँ, अब ये सिलेक्ट हो रहा है, वापस मैं ऑफ करती हूँ, अब नहीं होगा, देखिए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस है आइसोलेट सिलेक्शन टॉगल और सिलेक्शन लॉक टॉगल के, ये दो। अब आएंगे उसके ही आगे, ये है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले मतलब जैसे ही मेरा ये जो कर्सर है घूमेगा वैसे ही रखिए ये कोऑर्डिनेट्स घूम रहे हैं, देख रहे हैं? उसी तरह से ये बॉक्स है, समझो ये बॉक्स के ये कोऑर्डिनेट है, ये बॉक्स के सेंटर के ये कोऑर्डिनेट्स है, ओके। देखिए ये जैसा मैं मूव करती हूँ, अपवर्ड मूव कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, इसके जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मूव करती हूँ उसको तो यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, वाई में करूँगी वाई कोऑर्डिनेट, ओके। इस बॉक्स को मुझे, मैं ये ऑब्जेक्ट्स डिलीट करती हूँ, अगर इस बॉक्स को मुझे ये जो ग्रिड है ये इसे कहते हैं ग्रिड, ये ग्रिड के सेंटर पे लाना है, ये ग्रिड के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 एंड इन जेड डायरेक्शन ऑल्सो 0 करती हूँ तो देखिए कहाँ पे आया वो एग्जैक्ट सेंटर कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये राइट में ये है व्यू पोर्ट नेविगेशन का कंट्रोल। इसमें कौन से ऑप्शन है, जूम का है, ओके, ऑर्बिट का है, पैन का है। तो जैसे हम लोग मॉडल बनाएंगे एक एक का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा, करते गए जाएंगे वैसे ही आपको समझते जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वीडियो है, ज़रूरी नहीं आपको सब चीज़ें बराबर से समझ में आए, लेकिन जैसे मॉडल बनाएंगे इसका यूज़ हमें बार बार होने ही वाला है तो आपको वो समझ में आएगा। अब ये एक चीज़ रह गई है, ये है इसे कहते हैं एनिमेशन एंड टाइम कंट्रोल। अब अगर एनिमेशन करते हैं तो ये एनिमेशन का ट्रैक है, ओके। तो ये भी आप जब एनिमेशन करेंगे तब आपको ये कमांड डिटेल में समझ में आ जाएगी। अब आपकी जो ये स्क्रीन है इसको एक सर्टन कलर है, ये कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है कस्टमाइज में यहाँ पे कस्टम यूआई एंड डिफॉल्ट स्विचर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखिए यहाँ पे यूआई स्कीम है, लाइट, डार्क और डिफॉल्ट। अभी हमारा करंट क्या है, डिफॉल्ट। मैं क्लिक करती हूँ लाइट पे, ठीक है, सेट हो गया। देखिए कैसे हो गया हमारे स्क्रीन का कलर, ओके। आपको ऐसे काम करना पसंद है ये कलर स्कीम में आप कर सकते हैं, नहीं तो वापस जाना है कस्टमाइज, शो यूआई एंड स्विचर रेफरेंस, ये डिफॉल्ट में जाना है आपको, सेट, ठीक है। अब ये आपको ये स्क्रीन पे मेन्यू बार दिखा, ओके, ये टूल बार दिख रहा है, कमांड पैनल दिख रहा है, ये एनिमेशन का टैग दिख रहा है। अभी हम एनिमेशन में काम नहीं कर रहे तो मुझे अभी ये एनिमेशन का ट्रैक यहाँ पे देखना नहीं है, तो मैं इसे अभी स्क्रीन से टेम्पररी हटा सकती हूँ। कस्टमाइज में जाना है, शो यू आई, आपको क्या नहीं देखना है, ये ट्रैक बार नहीं देखना है, कैंसिल कीजिए। देखिए ये ट्रैक बार यहाँ से चला गया, वापस लाना है कस्टमाइज,
शो यू आई, यहाँ पे वापस मैं शो ट्रैक बार पे जाती हूँ, ये वापस आ गया। उसी तरह से देखिए वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, कमांड पैनल के भी है ऐसे ही, ऑन ऑफ का, मेन टूल बार का भी है। तो आपको अगर स्क्रीन पे इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसे टेम्पररी हाइड कर सकते हैं। तो ये था 3ds Max का यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3ds Max के मॉडलिंग के लगने वाले जो कमांड्स है वो कमांड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।